मेहुल ओल्ड फैक्ट्री पहुंच जाता है। वहां फायरमैन ने साइंटिस्ट को किडनैप करके रखा था। सभी एक ट्रैप में फंसे हुए होते हैं। फायरमैन मेहुल से कहता है, इनमें से एक साइंटिस्ट ने मुझे इंसान से फायरमैन बनाया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मेरी मदद करो पता करने में वो कौन है। फायरमैन की बात सुन मेहुल सभी साइंटिस्ट से उनकी स्टेटमेंट देने को कहता है। तो क्लॉथ वाला साइंटिस्ट रमन कहता है, मैं तो बस मामूली से कपड़ों पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एक ऐसा कपड़ा बनाया है जो जल नहीं सकता है, मुझे कुछ नहीं पता है किसने फायरमैन को बनाया है। केमिकल साइंटिस्ट रोहित कहता है, मैं तो केमिकल्स को मिक्स करके अलग अलग तरह से फायर को जनरेट करता हूँ, लेकिन फायरमैन को मैंने नहीं बनाया है। साइंटिस्ट सुमित कहता है, हम तो बस असिस्टेंट हैं, हमने तो फायरमैन को पहली बार ही देखा है। साइंटिस्ट पीयूष कहता है, मुझे भी कुछ नहीं पता है, मेरे पास तो लैब आने का वक्त भी नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट कहाँ से करूंगा। सभी के स्टेटमेंट सुन मेहुल समझ जाता है कि फायरमैन को किसने बनाया होगा, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। फायरमैन पर एक्सपेरिमेंट करने वाला कोई और नहीं रमन है, क्योंकि वो एक ऐसे कपड़े पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसपे आग नहीं लग सकती है, मतलब उसे फायरमैन के बारे में पहले से पता था। तभी मेहुल के पूछने पर रमन बताता है कि उसने ये सब साइंटिस्ट जयकाल के कहने पर किया था, उसने ही फायरमैन को बनाया है। फायरमैन, तुम्हें जवाब मिल गया, अब तुम सबको छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है मेहुल, ये मुझे क्यों जानना था, अब मैं जयकाल के साथ मिलकर पूरी दुनिया को कब्जे में कर लूंगा। इतना कहते ही फायरमैन मेहुल के ऊपर आग का गोला फेंकता है। उसे बचने के लिए मेहुल हट जाता है। मेहुल के सामने पूरी आग हो जाती है, और जैसे ही आग बुझती है और मेहुल बाहर आता है, तो देखता है कि फायरमैन सभी साइंटिस्ट को अपने साथ लेकर भाग गया है। मेहुल को वहाँ एक पेपर दिखाई देता है जिस पर कुछ कोड लिखा होता है, और वहीं पास में लिखा होता है हेल्पर्स। मेहुल कोड को देखकर समझ जाता है कि ये लोकेशन है जहाँ फायरमैन साइंटिस्ट को लेके गया है। तो क्या आप इस पेपर पे लिखे कोड को पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं ये कोड क्या कह रहा है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल समझ जाता है कि ये कोड अल्फाबेट के नंबर्स है। पेपर के ऊपर साइड पे लिखा हुआ है A to Z और 1 to 26, मतलब नंबर्स को लेटर से रिप्रेजेंट करना है। तो 18 हो जाएगा R, 15 हो जाएगा O, 3 हो जाएगा C और 11 हो जाएगा K। अगर आप उसे कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा रॉक, और रॉक्स पहाड़ी की तरफ होते हैं, मतलब जरूर फायरमैन उन्हें पहाड़ी की तरफ लेकर गया है। मेहुल भी वहां के लिए निकल रहा होता है कि तभी साइंटिस्ट भूलभुलैया का कॉल आ जाता है, और मेहुल साइंटिस्ट के पास जाने के लिए निकल जाता है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूलभुलैया बना रखी थी। क्या आप बता सकते हैं ABC में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता बी साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता बी लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को एक रबर का स्पेशल सूट देता है जिस सूट पर फायर का कोई असर नहीं होता है। मेहुल वो सूट लेकर पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। पहाड़ी पे पहुंचने के बाद मेहुल को वहां एक गुफा दिखाई देती है। मेहुल उसके पास जाता है। उस गुफा के अंदर जाने के लिए तीन रास्ते होते हैं। क्या आप बता सकते हैं फायरमैन ने कौन सा रास्ता लिया होगा, ABC? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। फायरमैन ने रास्ता ए लिया होगा। बाकी दोनों रास्तों में आइस दिख रहा है, लेकिन रास्ता ए में वाटर टपक रहा है और कुछ आइस पिघल भी गया है, मतलब वहां कोई गर्म चीज है, और गर्म चीज तो फायरमैन ही है। मेहुल भी रास्ता ए में अंदर चला जाता है। मेहुल देखता है कि वहां जयकॉल बाकी साइंटिस्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मेहुल उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हवा में उड़ता हुआ फायरमैन आ जाता है और मेहुल पर आग के गोले से अटैक करने लगता है। मेहुल डॉक्टर को दिया हुआ सूट पहन लेता है। फायरमैन अपनी फुल पावर से मेहुल के ऊपर आग की बारिश करने लगता है। मेहुल उससे बच जाता है, लेकिन उसका मेहुल पे कुछ असर नहीं हो रहा था। इसी बात पे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो मेहुल का गला पकड़ के हवा में लटका देता है, लेकिन मेहुल अपने रबर सूट के कपड़े से फायरमैन का मुंह ढक देता है, जिससे उसकी फायर स्लो हो जाती है। और फिर मेहुल फायरमैन को जोरदार पंच मारता है। फायरमैन दूर जाके गिरता है। ये सब देख जयकॉल वहां पे स्मोक कर देता है और खुद वहां से भाग जाता है, और जाते जाते एक वीडियो मेहुल के लिए छोड़ देता है जिसमें जयकॉल कहता है, मेहुल तुम इन लोगों को तो बचा लिया, लेकिन अब मेरा बनाया हुआ फायरमैन अपनी आर्मी के साथ तुम्हारी सिटी पर हमला करेगा और सभी लोगों को मार देगा। इतना कहते ही वो वीडियो बंद हो जाता है। मेहुल वहां से सभी साइंटिस्ट को बचाकर ले आता है। तभी उनमें से एक साइंटिस्ट बताता है कि इस आग को रोकने के लिए CO2 की जरूरत होगी। CO2 गैस आग को बुझा देता है। अगर इसने अपने जैसे और बना लिए
तो सिटी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेहुल आलिया को फोन करके CO2 के बहुत सारे टैंकर्स लाने के लिए बोल देता है और साइंटिस्ट के साथ सिटी में पहुंच जाता है। सिटी में जगह जगह आग लगी हुई थी, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। लगता है फायरमैन की आर्मी ने सिटी पर अटैक कर दिया है। तभी मेहुल का ध्यान एक घर की तरफ जाता है जहाँ बहुत सारे लोग बंद है और सामने पेट्रोल पड़ा हुआ है और 3 रस्सियाँ है जिसमें आग लगी हुई है। अब एक रस्सी उस घर की तरफ जा रही है, वो कौन सी रस्सी है लॉजिकल आर्मी, ABC जो घर की तरफ जा रही है, क्योंकि अगर वो घर तक पहुंच गई तो वहां आग लग जाएगी और लोग मर जाएंगे। तो सोचिए सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रस्सी 2 की आग घर की तरफ जा रही है कुछ इस तरह से। मेहुल आग को बुझा के उन लोगों को बचा लेता है। तभी पास के एक बड़े स्क्रीन पे जयकाल आ जाता है और मेहुल से कहता है, मेहुल अब तक तुम सिर्फ फायरमैन से फाइट कर रहे थे, अब मेरे बनाए हजारों फायरमैन से फाइट करो। इतना कहते ही फायरमैन अपनी पूरी आर्मी के साथ वहां पहुंच जाता है। फायरमैन की आर्मी मेहुल पर अटैक करने लगती है लेकिन मेहुल पे उनकी फायर का कोई असर नहीं हो रहा था। किसी को मेहुल किक मार रहा था तो किसी को मेहुल मुक्के से मार रहा था। लेकिन तभी सारे फायरमैन मेहुल पे एक साथ आग के गोले छोड़ने लग जाते हैं। मेहुल इन सबसे एक साथ नहीं लड़ पा रहा था, उनसे बचने के लिए मेहुल दूसरी तरफ दौड़ता है तो उसे 2 रास्ते दिखते हैं। क्या आप बता सकते हैं मेहुल को कौन सा रास्ता लेना चाहिए, सिटी रोड या जंगल रोड? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। जंगल की तरफ मेहुल को नहीं जाना चाहिए। इतने सारे फायरमैन मेहुल के पीछे दौड़ रहे हैं, इनसे जंगल में आग लग सकती है और पूरा जंगल तबाह हो सकता है। मेहुल को सिटी में ही आगे दौड़ना चाहिए। मेहुल सिटी रोड लेता है और सिटी के दूसरे तरफ दौड़ने लगता है। उतने में आलिया वहां पहुंच जाती है। आलिया वहां 4 टैंकर्स के साथ पहुंच जाती है लेकिन इनमें से एक टैंकर में CO2 नहीं है। क्या आप चारों टैंकर को देख के बता सकते हैं कौन सा टैंकर CO2 का नहीं है, ABC या D? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। CO2 गैस बहुत प्रेशर में टैंकर में डाला जाता है। अब अगर स्क्वायर शेप के टैंकर्स रहेंगे तो साइड पे प्रेशर बहुत आएगा जिससे टैंकर बर्स्ट हो सकते हैं, लेकिन सिलेंडर होने की वजह से साइड तो है ही नहीं तो प्रेशर एकदम कम हो जाता है। इसलिए मोस्टली टैंकर सिलेंड्रिकल शेप के ही होते हैं। इवन जमीन के अंदर भी जो हम होल्स करते हैं वो हमेशा सर्कुलर होते हैं जिससे साइडवेज से प्रेशर रिड्यूस हो जाए। आलिया गलती से रॉन्ग टैंकर का पाइप उठा के मेहुल को बचाने की कोशिश करती है। आलिया क्या कर रही हो तुम, मैं ज्यादा देर इनको नहीं रोक पाऊंगा। आलिया फिर तुरंत सिलेंड्रिकल टैंकर का पाइप लेती है और CO2 फायरमैन आर्मी पर छोड़ने लगती है। CO2 से सारे फायरमैन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वापस ह्यूमन बन जाते हैं। फिर एक बार आलिया की मदद से मेहुल ने सिटी को बचा लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।